नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह मोकामा और गोपालगंज में लड़ाई काफ़ी तेज हो गई है। आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोकामा में तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया है और अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगा है। वहीं तेजस्वी यादव के मन से नीलम देवी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी और महागठबंधन के तमाम मंत्रीगण और विधायकगण और हमारे दुधारू कार्यकर्ता और समर्थक अभिभावक रूपी मतदाता नामित्व में हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद मांगती हूँ। जिस तरह से पिछले चुनाव सभी चुनाव में आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद विधायक जी को मिलता रहा है, वही आशीर्वाद आप सभी मतदाता मालिक अपने दिन दिन वोट लालटेन खाद कर बटन दबा कर मुझे विजय बनाए। आप सभी मतदाता मालिक से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप आने वाले 3 तारीख को इंडियन क्रमांक 1 के सामने लालटेन खाद पर बटन दबा कर मुझे विजय बनाए और आशीर्वाद जी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने जनता से कहा कि वो उन पे भरोसा जताए और वो उनके लिए काम करेगी। इस मौके पर जो है महागठबंधन के तरफ से तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। इसके साथ ही जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, राजद के तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत तमाम जितने भी बड़े नेता थे वो मौजूद थे। और तमाम नेताओं ने महागठबंधन की प्रत्याशी नीलम देवी के लिए वोट मांगा है और कहा है कि अनंत सिंह का हाथ मजबूत कीजिए, राजद को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार को मजबूत कीजिए। इसलिए मोकामा से राजद को चुनाव जीतना जरूरी है और उन्होंने कहा है कि राजद के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। नीलम देवी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।